विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 70% करने के बारे में सोच रही है। लेकिन जिस समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यह घोषणा कर रहे थे, उसकी बदइंतजामी उनके लिए उल्टी पड़ गई। विधान सौध में वाल्मीकि जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य की SC/ST आबादी के लिए आरक्षण का अनुपात असामान्य है। CM वहां समारोह को संबोधित कर रहे थे जब बारिश की वजह से लोग वहां से जाने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार SC/ST समुदाय के लिए कोटा बढ़ाने के लिए तमिलनाडु मॉडल पर विचार कर रही है। इसके लिए पिछड़ा आयोग से इस प्रस्ताव की कानूनी वैधता के बारे में पता करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के मुद्दों पर दिसंबर के पहले हफ्ते में बल्लारी में होने वाली ST रैली में बात की जाएगी। लेकिन समारोह के दौरान बरसात की वजह से खलल पड़ गया। बारिश शुरू होते ही लोग वहां से जाने लगे। कुछ लोग तो बारिश से बचने के लिए कुर्सियों को लेकर भाग गए। खबरों के मुताबिक लगभग 1000 कुर्सियां गायब हैं। यही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया कि समारोह के दौरान सरकार ने शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं दी थी, जिसकी वजह से लोगों को इसके लिए सचिवालय के परिसर का इस्तेमाल करना पड़ा था।